morning to all of you. Now today we will discuss what distinction in true solution, colloidal solution and suspension. Okay, this is from chapter Is Matter Around Us Pure? This is of class 9 chemistry chapter. Okay, now distinction between true solution, colloidal solution and suspension. So see some properties and see what happens in true solution, colloidal solution and suspension. Now first property is particle size. Mainly there is difference in the particle size of colloidal solution, true solution and suspension. Now see what happens in true solution. The size of solute particle, you all know solute and solvent combines forms true solution. ठीक है, जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और इस तरह सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. यदि सॉल्यूट पार्टिकल उसका यदि डायमीटर लेस देन, उसका साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर. व्हाट इज नैनोमीटर? 10^-9 मीटर. ओके, सो इफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज less than 1 nanometer, it means it is particle of true solution and that will make true solution. ठीक है, colloidal solution में क्या होता है, particle size is in between 1 nanometer to 100 nanometer. इसके particle का size क्या होता है, 1 nanometer से 100 nanometer के बीच में होता है, और इसका जो कम amount में होता है उसको dispersed phase कहा जाता है, and which is in large amount is known as dispersion medium. Okay, so dispersed phase size is in between 1 nanometer to 100 nanometer. इसका diameter का size क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है. एंड व्हाट द साइज ऑफ सस्पेंशन, मोर देन 100 नैनोमीटर. ठीक है, उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है. ठीक है, सेकेंड नेचर, दिस इज होमोजीनियस. इतनी अच्छे से घुल जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इतने अच्छे से घुल जाता है कि थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. ठीक है, यदि पानी में चीनी घोल देंगे, अच्छे से यदि घुल गया, ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, तो आप ऊपर से लेंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा और नीचे से लेंगे तो भी उतना ही मीठा लगता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड यू कांट सी द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. यदि एक बार सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया तो आपको सेपरेशन का बाउंड्री दिखाई नहीं देगा. कोलाइडर सॉल्यूशन इट सीम्स टू बी होमोजीनियस. कोलाइडर सॉल्यूशन में क्या होता है, देखने में लगता है कि होमोजीनियस है बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मिल्क ले लीजिए. ठीक है ना, मिल्क को देखेंगे तो क्या दिखेगा, लगेगा होमोजीनियस है बट एक्चुअली दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन. उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है और वो 2-phase सिस्टम में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. और सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस होता ही है, यू कैन इजीली सी द क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. उसमें आराम से दोनों लेयर का, ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज विजिबिलिटी. ट्रू सॉल्यूशन, यदि आप एक बार नमक को पानी में मिला देंगे फिर आपको कभी भी वो सॉल्यूट पार्टिकल दिखाई नहीं देगा. सॉल्यूशन बनने के बाद उसका सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देगा. इट कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से आपको इसका पार्टिकल दिखाई दे देगा. ठीक है, और ये तो आपको डायरेक्ट बाय नेकेड आई. ठीक है, पानी में यदि आप सॉइल मिला देंगे तो वो क्या, जिसका एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन, एंड यू कैन सी दैट सॉल्यूट पार्टिकल इजिली बाय योर नेकेड आई. नेक्स्ट इज फिल्टरबिलिटी. इसमें क्या होता है, आपको बताया नमक पानी बन गया, सॉल्यूशन इतना अच्छा से बन गया, यदि उसको फिल्टर पेपर में डालेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा सॉल्ट वाटर नीचे चला जाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन इतना अच्छा से बन जाता है, होमोजीनियस हो जाता है कि वो नीचे चला जाएगा, आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यू कांट सेपरेट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन. ठीक है, और एनिमल मेम्ब्रेन लेंगे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, उससे भी हम इसके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, फिल्टर पेपर से तो सारा पार हो जाता है, नॉर्मल यदि
ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेंगे, जैसे आप मिल्की ले लीजिए, उसको यदि नॉर्मल फिल्टर पेपर में डालेंगे तो उसका फोर्स इतना बड़ा होता है कि इसके पार्टिकल को भी वो पास कर देता है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। बट इफ वी यूज एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन दैट केस वी कैन सेपरेट डिस्पर्स्ड फेस फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम, उस केस में हम इसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। बट नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन ये क्या होगा, किसी हालत में भी वो नॉर्मल फिल्टर पेपर रहे उससे भी पार नहीं होता, नेचुरल है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तो पार होगा ही नहीं। तो क्या होगा, रेसिड्यू के रूप में हमेशा ही आपको इसका पार्टिकल बच जाएगा ऊपर में। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये सेटल नहीं होता। यदि नमक पानी आप मिला दिए, नमक पानी यदि आप एक बार मिला दिए हैं तो थोड़ा देर बाद भी देखेंगे तो वो वैसा ही रहेगा, बस स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर छोड़ देंगे तो नमक जाके नीचे बैठ जाएगा, तो क्या कहलाता है, ये स्टेबल कहलाता है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में भी क्या है कि यदि दूध आप रखे हैं तो थोड़ा देर बाद भी देखेंगे तो उसका पार्टिकल ऐसा नहीं है कि दूध का गाढ़ा वाला पोर्शन जाके नीचे बैठ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट सेटल, अपने आप से ये सेटल नहीं होता है, ये भी स्टेबल होता है, कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जैसे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे तब क्या होगा, उसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलग हो सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, या फिर ऑपोजिट चार्ज यदि डालते हैं, जो कल आपको बताए थे, पिछले क्लास में आपको बताए थे, जब कोलाइडल सॉल्यूशन बता रहे थे, कोएगुलेशन होता है तो वो भी डालेंगे। ठीक है ना, कुछ मटेरियल डालेंगे जिसमें ऑपोजिट चार्ज रहे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होता है, इसका डिस्पर्स फेज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, या तो सारा पॉजिटिव होता है या तो सारा नेगेटिव होता है। तो ऑपोजिटली चार्ज का मटेरियल सब्सटेंस इसमें डालेंगे तभी जाकर के नीचे बैठेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, अपने से भी इसको छोड़ देंगे तो वो नीचे जाके नहीं बैठता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, थोड़ा देर भी छोड़ देंगे, सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, बीकर में पानी लेते हैं, उसमें बालू डाल दें, उसको मिला रहे, जब तक ये कॉन्स्टेंट स्टेरिंग करेंगे वो स्प्रेडेड रहेगा, घुलता तो नहीं है, डिफ्यूज तो नहीं होता है, लेकिन क्या होगा, स्प्रेडेड रहता है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा देर भी छोड़ेंगे तो क्या होगा, इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ओके, अपीयरेंस दिस इज ट्रांसपेरेंट। सपोज कीजिए एक बीकर लेते हैं, उसमें हम ट्रू सॉल्यूशन नमक और पानी का सॉल्यूशन अच्छे से बना देंगे और उसके आर पार देखना चाहेंगे, यू कैन सी इजिली, ठीक है, आराम से उसके आर पार देख सकते हैं। सो दिस इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, अपीयरेंस इज ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा क्या होता है, दिखाई देता भी और नहीं भी देता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होता है, थोड़ा धुंधला दिखेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखेगा, और ऐसा भी नहीं कि क्लियरली दिख जाएगा ट्रू सॉल्यूशन के जैसा, धुंधला जैसा दिखता है। सो दिस इज ट्रांसलूसेंट इन नेचर। एंड सस्पेंशन में क्या होता है, ये तो ओपेक होता है, पूरी तरह से यदि उसमें डाल दिए हैं तो आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूज रैपिडली, इसका डिफ्यूजन क्या होता है, देखिएगा आप पानी में यदि नमक मिलाएंगे तुरंत घुल जाएगा, सो इट विल डिफ्यूज वेरी रैपिडली। इसमें क्या होता है, डिफ्यूज होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, डिफ्यूज होगा लेकिन टाइम लगेगा, और इसमें क्या होता है, डिफ्यूज होगा ही नहीं। ठीक है, जब तक ऐसे घुमाते रहेंगे, सपोज कीजिए यू हैव टेकन वाटर एंड सोयल, तो जब तक घुमाएंगे तो स्प्रेडेड रहेगा, थोड़ा लगेगा फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, कभी भी डिफ्यूज नहीं होगा, सॉलिड विल नेवर डिफ्यूज इन सॉल्वेंट। ठीक है, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल इज टू स्मॉल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जब पार्टिकल में बीम ऑफ लाइट डालते हैं, ठीक है, टॉर्च मारते हैं, पार्टिकल है, टॉर्च मारेंगे, वो यदि पार्टिकल उसको स्कैटर करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, तब हम उसके पाथ को देख सकते हैं। सो इन दिस केस साइज इज वेरी वेरी स्मॉल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग नहीं कर सकेगा, बीम ऑफ लाइट जो है उसके पार्टिकल जो है उसको स्कैटर नहीं कर पाएगा। बट इन दिस केस इट विल शो दिस, एक्चुअल में तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो जो लाइट आ रहा है, बीम ऑफ लाइट जो आ रहा है उसको स्कैटर कर सके, सो वी कैन इजिली सी द पाथ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक
ठीक है, बीम ऑफ लाइट यदि डालेंगे, सो दिस साइज, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सफिशियंट टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन इजिली सी द पाथ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन के केस में क्या होता है, यू मे सी और मे नॉट सी, होता क्या है, इसका पार्टिकल का साइज क्या है, इसके साइज से बड़ा है, तो यदि नियर अबाउट इससे थोड़ा सा ही यदि बड़ा है तब तो हम सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, इसके पार्टिकल से थोड़ा सा ही यदि बड़ा है तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, हम पाथ को देख सकेंगे। लेकिन यदि साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है क्या होता है, वो ओपेक हो जाता है और उसके बाद हमको पाथ विजिबल नहीं होता है, इसलिए भी इसमें क्या लिखा जाएगा, मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, सो आई थिंक सो इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक, must see my next video.